मैं जिनेंद्र, आप पांच हजार देख रहे हैं। सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आज के समाचार कुछ इस प्रकार है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को श्री मुक्तसर अदालत में मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिया है। सुखबीर बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान बादल परिवार के खिलाफ लगातार झूठे बयान दे रहे हैं, जिस कारण उन्होंने आज मुख्यमंत्री के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस दायर किया है। मुक्तसर अदालत में मुख्यमंत्री मान के खिलाफ केस दायर करने पहुंचे श्रोमणी अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भगवंत मान की झूठ बोलना आदत है। वे कई बार मुख्यमंत्री को उनके परिवार के बारे में झूठ बोलने को लेकर चेतावनी दे चुके थे, मगर मान उनके परिवार के खिलाफ झूठ बोले जा रहे हैं। पहले तो वे चुप थे, लेकिन अब वे भगवंत मान राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इस वजह से अब वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वह बादल परिवार के खिलाफ झूठ बोले। भगवंत मान की एक बुरी आदत है झूठ बोलने की। ओदी जिहड़ी सियासत है झूठ ते निर्भर है। लगातार उन्होंने बादल परिवार बारे झूठ बोलिया। चलो पहले तो असी बर्दाश्त कर लिया कोई, पर हुण जो क्योंकि मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री एक जिम्मेवारी की पोजिशन है, तो उस जिम्मेवारी की पोजिशन च बह के भी झूठ बोलना, असी उन्हों मैं पहले भी कहा सी बोलना बंद करते, पर हटिया नहीं। इन्हें झूठ बोलिया कि जिहड़ा बालासर साडा फार्म है, उस फार्म में जिहड़ी कस्सी कढ़ी गई है वह बादल साहब के वास्ते कढ़ी गई है। कस्सी जिहड़ी हैगी जमा खेत में जाके खत्म हो जाती है, तो किहड़े साल कढ़ी आ, हुण जो सरकार सी उदों कढ़ी आ। एडे झूठ बोले। उहदे बाद इन्हें साडी ट्रांसपोर्ट कंपनी बारे झूठ बोले कि जी सारे परमिट असी एक्सटेंड करा करा के असी चंडीगढ़ वाड़ ले। मैं इहनूं नोटिस दित्ता सी, नोटिस दा जवाब नहीं आया, तो अज मैं मुक्तसर की अदालत में डेफेमेशन केस असी पा दिता है, तो भगवंत मान नूं असी घड़ीस के इत्थे मुक्तसर की अदालत लेके आवांगे, तो इहनूं पता लगेगा कि झूठ बोलन की की सज़ा होंदी है। उन्होंने स्वागत किया, कहिंदे हर तरीक ते आवांगे जदों भी बुलाओ। मैं बड़ी खुशी की गल है, घट तो घट मुक्तसर की धरती से मुख्यमंत्री जी आ तो जाणगे ना, पर मैनूं बेनती है जदों आया करना घट तो घट जिवें बादल साहब खुले गफ्फे दिंदे सी ना, गफ्फे जरूर जाके देखे जाण। पर एक गल याद करो, उन्होंने हुण कहा कि जरूर आउणगे, मैं देखदा किन्नी वार आउंदे आ। जिन्नियां टोटल उन्होंने गलत गल्लां कीतियां सी उह सारियां नूं आधार बना के 17-11 नूं असीं इक पहलां लीगल नोटिस दित्ता सी कि जां तां जिहड़ा तुसीं कोई गलत बोलिया उहदे बारे माफ़ी मंगो, अनकंडीशनल अपोलॉजी दिओ, नहीं तां असीं तुहाडे खिलाफ़ मुकदमा करांगे। उन्होंने ना तो उस नोटिस का कोई जवाब दिता, तो ना ही कोई अपोलॉजी की, इस करके अज अभी मुकदमा। ये जरा बालासर वाला तो यह सारा जी ये किया गया जिस दिन लुधियाना PAU कैंपस इन्होंने 1-9-2023 PAU कैंपस जरा रखिया प्रोग्राम उद्देता से। बाकी वक् वक् स्टेजा वक् वक् दिन जिन्या स्टेटमेंट्स दिखाई पोर्ट्रे बादल फैमिली श्रोमणी अकाली दल अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार की अध्यक्षता में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक काउंट सीजर मैटी का 215वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर वर्ल्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख वर्चुअल डॉक्टर विनोद कुमार, आम आदमी पार्टी के विधायक दलजीत सिंह गरेवाल, WHO UK के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संग्राम सिंह विशेष तौर पर समारोह में पहुंचे। डॉक्टर विनोद कुमार ने आए हुए सभी चिकित्सकों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक काउंटर सीजर मैटी के जन्मदिन की बधाइयां दी और वर्ल्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विधायक दलजीत सिंह गरेवाल ने मैटी के जन्मदिन पर सभी चिकित्सकों को जन्मदिन की बधाइयां दी और कहा कि चिकित्सा पद्धति के जनक काउंटर सीजर मैटी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बहुत ही जानदार और प्राकृतिक चिकित्सा सिस्टम है, यह सब जानते हैं। इसको लेकर सरकारी मान्यता दिलाने के लिए वे मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात करेंगे और जल्द ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिलाने के लिए कड़े प्रयास भी करेंगे। आज बड़ा खुशी वाला दिन है, साडे बहुत ही सत्कारयोग मानयोग डॉक्टर मैटी जी का अज जन्म दिहाड़ा वा और सारे ही अज इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर साहबान इकट्ठे होकर अज उन्हों का जन्मदिन मना रहे हैं। तो डॉक्टर मैटी जी के जन्म दिहाड़े से सारे नूं लख लख बधाई देना
और सारे ही डॉक्टर साहबाना का धन्यवाद करता जिन्होंने बहुत वधिया उपराला करके अज डॉक्टर मैटी जी का जन्म दिहाड़ा मनाया ते और जिहड़ी इन्होंने मंग रखी है और बिल्कुल मंग जायज़ है जिहड़ी इलैक्ट्रोपैथिक जिहड़ी दवाइयां ने ते उहदे नाल हमेशा पुराने जमाने च इलाज हुंदा आया वा ते इह जिहड़ी मंग है इन्हां दी भी इहनूं मतलब कि मानता दित्ती जावे सरकार वल्लों तां कि वधिया ढंग नाल इह भी इलाज कर सकण क्योंकि अज जरूरत आ सानूं ऑर्गेनिक सिस्टम लियाउण दी क्योंकि जिहड़ी एलोपैथिक दवाई ठीक आ ठीक हुंदी आ पर इहदा ज़्यादा जरूरत आ जी आपां जिवें इलैक्ट्रोपैथिक जिहड़ी दवाई आ ते इहदे नाल बीमारियां जिहड़ियां चलो जरूर आ ते थोड़ा समां लगदा ठीक होण नूं पर उहदे नाल कोई होर बीमारी नहीं लगदी हैगी ते इस करके मैं बिल्कुल इन्हां नूं विश्वास दिवाउणा वां ते वी जिहड़ा इह साडे मुख्यमंत्री साडे मानयोग साहिब भगवंत सिंह मान जी साडे पंजाब दे उन्हां कोल रखूँगा क्योंकि उन्होंने पहला भी डॉक्टर साहबान ने दसिया भी जो एम पी होंगे उन्होंने लोग सभा दे विच ये मुद्दा उठाया सीगा ते उन्होंने ऑलरेडी ध्यान दे विच आ ते मैं बिल्कुल ध्यान च लिया के इन्हों मानता दवावांगे तां कि वधिया ढंग नाल समाज की सेवा कर सकन और परमात्मा अगे यही अरदास करदा परमात्मा इन्हों तंदुरुस्ती बख्शे ये तंदुरुस्त डॉक्टर साहबान तंदुरुस्त देणगे ते साडा समाज नूं वधिया ढंग नाल दवाई देणगे ते साडा समाज भी तंदुरुस्त रहूगा ते क्योंकि आम आदमी पार्टी का मिशन भी यही है भी पंजाब दे विच दवाई पढ़ाई रुजगार ते और उस तो बाद नशा करप्शन ते गुंडागर्दी खत्म करके पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउण दा जिहड़ा मान साहब दा मिशन आ ते उहदे वास्ते इन्हां दे योगदान दी लोड़ आ इन्हां दे साथ दी लोड़ आ क्योंकि इन्हां दे वोट नाल इन्हां दी सपोर्ट नाल सरकार बणी आ ते इन्हां दे टैक्सां दे पैसे नाल अज सरकार चलदी आ ते इन्हां दे साथ दी लोड़ आ ते तां कि असीं पंजाब नूं रंगला पंजाब बना सकीए पंजाब दे नूं तरक्की ते लिजा सकीए ते जिहड़ा नशा करप्शन गुंडागर्दी इह भी सारिआं दे साथ नाल खत्म होणा वा ते इन्हां नूं मैं बेनती भी करूँगा ते सारे आओ साथ दिओ पंजाब नूं आपां खुशहाली लैके आईए पंजाब नूं तरक्की ते लैके जाइए अपने आने वाले बच्चों का जिहड़ा जनरेशन आ उहनां दा भविख सवारीए ते बहुत बहुत धन्यवाद जी। इलैक्ट्रो होम्योपैथी इज़ 100% बेस्ड ऑन द वेजिटेरियन प्लांट्स जबकि एलोपैथी में जो केमिकल साल्ट यूज़ होते हैं होम्योपैथी में भी प्लांट बेस्ड होती हैं लेकिन होम्योपैथी में क्या है कि नो सोड्स यूज़ होते हैं जैसे वेजिटेबल होता है मेटल्स यूज़ होते हैं और एल्कोहल से बनती है। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है प्योरली स्पेजिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि 100% वेजिटेरियन पैथी हम कह सकते हैं जिसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता कोई एनिमल यूज़ नहीं होता और कोई मेटल यूज़ नहीं होता और इसकी जो मेडिसिन की एफिकेसी है वो बहुत ही डीप है और बहुत अच्छे तरीके से एक्यूट एंड क्रॉनिक बीमारियों को ठीक करती है। देखिए जो काउंट सिजमेटी जी थे ये बेसिकली इटली के बोलोनिया शहर से थे और इन्होंने 1865 में इलेक्ट्रोपैथी की खोज की थी और उसके बाद इनका मेडिसिन की इतनी अच्छी एफिकेसी थी कि पूरे वर्ल्ड में इनका नाम हुआ और पैथी का प्रचार प्रसार हुआ और आज इलेक्ट्रोपैथी में इनका हम 215वां जन्मदिन मना रहे हैं। 1865 में इन्होंने सिस्टम का खोज की और 1896 में इनका डेथ हुई थी। आपकी मांगे क्या है इलेक्ट्रोपैथी को लेकर? इलेक्ट्रोपैथी को लेकर हमारी मांग ये है कि ये एक तो सबसे अच्छी वेजिटेरियन पैथी है हर्बल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है दूसरा ये बहुत ही सस्ती चीप कॉस्ट में लोगों का ट्रीटमेंट करती है ज़्यादा बड़ी खर्चे में ट्रीटमेंट नहीं होता बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि आम जनता गरीब जनता के फेवर में है जो महंगा इलाज नहीं करवा सकते और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयाँ कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है बड़े आसानी से इलाज हो सकता। अज मैटी जी का बर्थडे है जी उन्हों का 215वां दिन असी सारे जिन्हें डॉक्टर साहब सारे आए हुए असं उन्होंने मना रहे हैं तो साढ़े च MLA साहब आए थे भोला जी तो उन्होंने असी सिगार किया तो उन्होंने असी एक अपना मोमेंटो दिता जिहड़ी साड़ी इलेक्ट्रो होम्योपैथी आनू पार्लीमेंट के आवाज चुकन ताकि सानू मानता पूरी मिल जाए असी यही सारी रिक्वेस्ट करते हैं भी सानू ये मानता मिल जाए प्रॉपर असी प्रॉपर सारे लोगों की सेवा कर सकते। लुधियाना से नवजोत सिंह की रिपोर्ट। प्रचंड ठंड में सड़कों पर बैठने को मजबूर हुए सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के प्रति जाहिर किया गुस्सा। कड़कड़ाती ठंड ने लोगों का बुरा हाल करके रखा है। इसी कड़ाके की ठंड में MES वर्कर यूनियन आज सड़क पर बैठने को मजबूर हो गया है। दरअसल पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगे अभी तक अनदेखी की जाती आई हैं, जिसके चलते सरकारी कर्मचारियों में केंद्र सरकार के प्रति गुस्सा देखा जा सकता है। कर्मचारियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नई पेंशन स्कीम सही नहीं है। वह पुरानी पेंशन स्कीम से हर वर्ग खुश था लेकिन सरकार ने
2004 में पुरानी पेंशन खत्म कर नई पेंशन लागू की, जिसके कारण नए युवाओं को भविष्य में खतरे हैं। इस कारण वह कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जी, हम तो कहेंगे सरकार से यही विनती है हमारी कि ये NPS जो है इसको हटाया जाए और जो OPS है उसको लागू किया जाए। इसी में हमारी भी भलाई है और आने वाले हमारी संतान की भी इसी में भलाई है। हम तो गुजारिश यही करेंगे केंद्र सरकार से, हमें ओल्ड पेंशन लागू की जाए। हम सुबह 8 बजे से मैडम यहाँ पे बैठे हैं इतनी ठंड में, और आज हमारी भूख हड़ताल है, ना हमने कुछ खाया है ना पिया है, चाय तक पानी तक कुछ नहीं पिया, और सर्दी से बुरा हाल हो चुका है हमारा। अब शाम तक पता नहीं बीमार भी पड़ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। मतलब कहने का भाव ये है कि जो हमारी पुरानी पेंशन है उसको तोड़ के न्यू पेंशन स्कीम, जब वर्कर चाहता कि मुझे जे नहीं चाहिए तो क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हैं। जे 2004 से जब भाजपा सरकार आई थी तब से ये जो न्यू पेंशन स्कीम इन्होंने निकाली थी, हम तब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी इस पर सुनाई नहीं हुई। पहले हम दिल्ली में भी जाकर के हमने धरना दिया था, ऑल ओवर इंडिया से वहाँ से बहुत सारे लोग आए थे। आज भी हमारी पुरजोर यही अपील है कि जो NPS है इसको ख़त्म करके OPS को लागू किया जाए। मैडम, मैं ना, मेरे फादर साहब रिटायर हुए हैं अभी पिछले साल, उनको भी पेंशन मतलब ना के बराबर है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का। मैं उनको देख के मेरे को अपना याद रहा कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। उनको भी, मेरे फादर को भी इकट्ठा पैसा मिल गया, तो वो अभी तो चलो स्टेट गवर्नमेंट का फ़र्क था उसका, जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे बच्चे भी वही सोचेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। खास पापा की पेंशन होती थोड़ा मोटा मेरे को हेल्प मिल जाता, तो ये इसीलिए हम लोग यहाँ आज बैठे हैं इतनी ठंड में कि हमको पुरानी पेंशन लागू की जाए और नई पेंशन बंद की जाए। जी, सवेर से हमने को ऐसे ही बैठे हैं, 8 बजे से बैठे हैं हम लोग। लुधियाना से नवजोत सिंह की रिपोर्ट। लुधियाना के गुरु नानक देव भवन में 28वां लोहड़ी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बेटियों की लोहड़ी मनाते हुए लोगों को बेटियों के महत्व के बारे में बताया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम में सांसद रवनीत बिट्टू, सांसद मोहम्मद सदीक, कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर शर्मा जिम्पा व विधायक अशोक प्राशर पप्पी, विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे। इस मौके पर पंजाबी सभ्याचार को दर्शाते हुए रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए, जिसमें भांगड़ा गिद्दा मुख्य तौर पर शामिल है। वहीं गायकों ने अपनी मधुर आवाज से गायन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सो साडियां बेटियां साडियां बच्चियां किसी भी फील्ड च कितों घट नहीं आ। अज साडे MP साहब बैठे ने बिट्टू जी, हमेशा ही साडे नाल, इह साडे धिर ने, इह साडे चाहे मोहन सिंह मेला होवे, मोहन सिंह फेडरेशन दा कोई गल होवे, या मालवा सभ्याचारक मंच होवे, बिट्टू जी हमेशा ही साडे नाल इक साडी धिर बन के खड़दे ने। सो मैं अज दे इस मुबारक दिन ते सारी पंजाबियों नूं जिथे भी कोने कोने च लोग साडे भरा बैठे ने उन्हां नूं लोहड़ी की मुबारकबाद दिंदा, ते एक बेनती जरूर करदा वी भाई धीआं नूं चंगी एजुकेशन चंगी तालीम उन्हां नूं दिओ तां जो एक कुल एक परिवार मूहरे पढ़ सके और अपनी चंगी जिंदगी बसर कर सके। जदों मुल्लां पर तो शुरू करके भी किस चावां नाल किस रीति रिवाजां नाल इन्हां ने यह जाग लाया सी, तो जो अज गल करी है ना, अज लवली ने, पर लवली होर बदते नहीं गए। ये सब तो वड्डी एक एक दिक्कत ये आ यार, ये बंदे तो तकलीफा च माड़े हालातों च ये इंसान लगे रहे ने, पिछे नहीं हटे अज भी, पर अगे यह जे इंसान होर भी बनो। तीआं तो बिना संसार ही नहीं है, सीधी गल है। ती पहला बेटी होंदी है, फिर भैन होंदी है, फिर माँ बनती है, और माँ बिना संसार नहीं है। इस करके इन्हां बच्चियां दी लोहड़ी जिहड़ी है ना, उहदे वास्ते मैं KK बाबा जी नूं बधाई दिंदा। अजिहे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी करने चाहिए जिहदे नाल लोकां नूं इक सेध मिले भी जिहड़ी ती है उह पुत्त नालों किसी गल्लों घट नहीं, ती नालों पुत्त नालों वधी इह जिहड़ी ती है, प्यार भी करदी है ते बाप ते माँ दे नाल भी खड़दी है। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ जसप्रीत कौर की रिपोर्ट। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह आज जलंधर के सिविल अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिविल अस्पताल के तमाम अधिकारियों और अस्पताल स्टाफ के साथ मीटिंग की,
जलंधर के सिविल अस्पताल पहुंचे बलबीर सिंह सिद्धू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पंजाब सरकार का मुख्य मकसद जनता को सभी अच्छी सेहत सुविधाएं देना है। उन्होंने कहा कि जो स्टाफ व दवाइयों की कमियां हैं वे जल्द से जल्द दूर की जाएंगी। पंजाब स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने आगे कहा कि दवा की कमियों को लेकर टेंडर लगा दिए गए हैं और जलंधर, लुधियाना, कपूरथला व अन्य कोई भी हॉस्पिटल हो वहां हर तरह की सुविधा जनता को मिलेगी। हेल्थ मिनिस्टर से जब यह पूछा गया कि उनके आने पर ही क्यों व्यवस्था बढ़िया की जाती है तो उन्होंने कहा कि यह उनका प्लान विजिट था, लेकिन वह सरप्राइज विजिट करेंगे, तब जो कमियां होंगी उन पर एक्शन लिया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में बढ़िया टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। साडे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो सेहत क्रांति का जिहड़ा बीड़ा चुकया हैगा उहदे च जिवें प्राइमरी केयर दे विच तुसीं देख रहे हो कि आम आदमी क्लीनिक 664 ऑलरेडी खुल चुके हैं, 100 होर तैयार है जी, उहदे च 86 लाख तो ज़्यादा लोग उहदा बेनीफिट लै चुके हैं। इस तरह योगा दीआं क्लासां जिहड़ियां साडीआं रेगूलर चल रही है जी। हुण जिहड़ा साडा सैकेंडरी केयर ते साडा सारा एम्फसिस हैगा कि 15 फरवरी तक साडा टारगेट है जी, साडे कोल 250 तो बाद दवाइयां हो जाणगीआं पर सारीआं दवाइयां पेशेंट नूं हस्पतालां चों मिल रहीआं, बाहर दवाई पर्ची लिख के नहीं देनी कि बाहरों लैके आओ। और इस तरह सारे टैस्ट जिहड़े हैगे इनकलूडिंग अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सारे हस्पतालां दे विच होणगे और तुहाडे इत्थे सीटी MRI दी फैसिलिटी भी हैगी है, सारिआं च नहीं आ जाइओ। सीटी साडे सारे डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर ते होगा, लेकिन MRI जिहड़े 6 सेंटर उहनां दे विच हैगी आ, उह वी असीं बाकीआं च इंट्रोड्यूस करांगे। तो ये संबंध जिहड़ा कोई बिल्डिंग की होर आपां नूं लोड़ है जी, HR की जिहड़ियां कमियां पेशियां हैगियां जां जे कितें कोई इक्विपमेंट की लोड़ है, वह सारा कंप्रीहेंसिव रिव्यू करके और जो एग्जिस्टिंग साडे कोल मैन पावर है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरह करनी है, ये सारी प्लैनिंग जी है मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके सारे कर चुका जी। कोई नहीं जी, मैं देखागा, मैं हूँ अज तक थोड़ा जिमें मेरा प्लैंड विजिट है ये, तो मैं अक्सर जोड़ा है वो अनप्लैंड विजिट भी, जिम्मे मैं अमृतसर जाना फिर मैं अचानक भी आके देख के जाना। हाँ, मैं बहुत जगह पर सरप्राइज चैक भी किया है जी, लेकिन मेरी कोशिश है कि पहला प्लैंड विजिट हो जाए, उस तो बाद फिर सरप्राइज चैक हो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत लगभग 22 करोड़ रुपए के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लोकार्पण और 3.22 करोड़ रुपए की लागत से जल शक्ति विभाग के सर्कल कार्यालय भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के टहलीवाल के बाथू बाथड़ी में पुलिस थाने का शुभारंभ करते हुए कहा कि हरोली की जनता को सुरक्षित रखना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में टहलीवाल थाना आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए 1 क्लास थाना बनकर उभरेगा और इसके परिणाम भी 1 क्लास होंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस थाने में 46 पद स्वीकृत किए गए हैं। आगे उन्होंने बताया कि क्षेत्रवासियों को इस थाने से होने वाले लाभ व थाने के बारे में लोगों की क्या फीडबैक है, इसके लिए वे स्वयं 3 महीनों तक टहलीवाल थाने की मॉनिटरिंग करेंगे। इस मौके पर अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने और क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। और यहाँ राणा जी, इस पंचायत में बेहतरीन काम हुआ है, ये तो मुझे रिकॉर्ड पे ही कहना है। जो इनके साथी हैं वो भी सारे पूरे बेहतरीन साथी जो है, इनको पंचायत आगे बढ़ाने में काम करवा रहे हैं। और अभी इन्होंने कहा कि बलियाल में ट्यूबवेल लगाना है, इन्होंने कहा 4 दिन में मशीन आ जाएगी। झूठ मुकेश अग्निहोत्री बोलता कि 4 दिन में नहीं आएगी, मुकेश अग्निहोत्री 4 दिन में नहीं आएगी, लेकिन एक्सएन साहब बैठे, एक्सएन साहब कितने दिन में आएगी, मतलब कि हम आपको 20 से 25 दिन के अंदर जो है वहां पे ड्रिलिंग शुरू कर दें, क्योंकि सरकारी सेक्टर है, टेंडर करना है, ड्रिलिंग होनी है, मशीन आनी है, तो और ना 4 दिन के बाद आप हमें पत्थर भिजवाना शुरू कर दें। हम वही बात करेंगे जो सही बात है। दूसरा जो है बलियाल में जो है वहां पे सड़क को डंगा लगना है, 10 लाख रुपया हम उस डंगे के लिए मंजूर कर रहे हैं, वो ताकि ये दोनों काम बलियाल के हो सके। और यहाँ पे अभी हमने जिप लगाया है, दिया हमने यहाँ के लिए दिया था, इन्होंने कहा कि वो डिमा में लगना है, वो आपका इंटरनल मसला है, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे शाम को नशे की बजाय जो है जिप में जाएं। चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय सेना के 23 पंजाब रेजिमेंट जिस पर बॉर्डर फिल्म बन चुकी है के शौर्य चक्र विजेता लेफ्टिनेंट गुरदीप सिंह सलारिया का 28वां बलिदान दिवस उनके पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया की अध्यक्षता में शहीद के नाम पर बने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तारागढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब एक्स सर्विसेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन कैप्टन
सुनील गुप्ता बतौर मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए। इनके अलावा कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक की धर्मपत्नी उर्मिला देवी, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की, एयर वाइस मार्शल पीएस मलही, मेजर अनुषा आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शिरकत की। वही शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथि द्वारा शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया की तस्वीर के समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्प अंजलि अर्पित करके किया गया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य मेहमान चेयरमैन कैप्टन सुनील गुप्ता ने कहा कि शहीद कहना आसान है, मगर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपना बलिदान देना बहुत मुश्किल है। इसके लिए पहाड़ जितना जिगरा होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि देश का जाबाज सैनिक कठिन परिस्थितियों में पूरी तनदेही से ड्यूटी निभाता है ताकि देशवासी अपने परिवार के साथ चैन की नींद सो सके। उन्होंने कहा कि जब देश पर मुसीबत आती है सारा देश अपने सैनिकों की तारीफ देखता है और विपत्ति के बादल छटते ही वही देशवासी अपने सैनिकों के शौर्य को भूल जाते हैं, जिससे इनके मनोबल को ठेस पहुंचती है। इसलिए हर कोई दिल से अपने वीर सैनिकों व शहीद परिवारों का सम्मान जरूर करे। हमारे मर्तबे में आके बहादुर जवान थे और हम उसके साथ हूँ और हमारी रूंड के हीरो थे। जय सब। शहीद को नमन करती हूँ जिस माँ ने अपने सपूत पुत्र को जन्म दिया है, मैं उसको भी साथ साथ नमन करती हूँ। शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया का 28वां बलिदान दिवस तारागढ़ में उन्हीं के नाम पर बने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया। शौर्य त्याग व बलिदान का दूसरा नाम लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया, जिन्होंने आज से 28 वर्ष पहले 23 वर्ष की अल्पायु में जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में पाक प्रशिक्षित आतंकियों से लड़ते हुए अपना बहुमूल्य बलिदान दे दिया था। आज इस वीर भूमि को मैं शत शत नमन करता हूँ, जहाँ पे योद्धा की शौर्य गाथा जो है आज सुनाई जा रही है। लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। घर पर माँ बेटे के सपने संजो रही थी, शादी के सपने संजो रही थी, घर में दुल्हन लाने के सपने देख रही थी, सेहरे की लड़ियाँ बुन रही थी, लेकिन लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया ने वीर गति को दुल्हन के रूप में गले लगाकर अपना सैन्य धरने पा दिया। आतंकवादियों ना मुठभेड़ दे विच दो आतंकवादियों नू मारते हुए वो वीर गति नू प्राप्त हो गए ते अपना ना इतिहास दे सुनहरे पन्नियां दे विच अंकित करवा गए। उन्हां दी शहादत साडी आन वाली पीढ़ियां दे लई प्रेरणा दा स्रोत बनेगी, उन्हां च देश भगति दी भावना पैदा करेगी, उन्हां च देश दे उत्ते मर मिटन दा जज्बा पैदा करेगी। मैं उन्हां दे माता पिता नूं तहे दिल तों हिरदे दीआं गहराइआं तों छत छत नमन करदा ते मैं बाकी सारे देशवासियों नूं इलाका वासियों नूं यह अपील करदा कि साडे जिन्ने भी शहीद है उन्हां दा पूरा मान सम्मान करन। धन्नवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। शहीदों के नाम पे लगा दिए गए और काफ़ी गेट बढ़ा दिए गए हैं, काफ़ी सड़कें इनके नाम पे कर दी गई हैं और सभी का सहयोग मिला हमें, सरकारों का सहयोग मिला, समाज का सहयोग मिला, आम जनता का सहयोग मिला। तो आप पत्रकार भी यहाँ पर आए, आपका बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही आप साथ देते रहे और हम आगे शहीदों के लिए काम करते रहेंगे। जय हिंद। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। सरहिंद जंक्शन पर एक ट्रेन में अचानक खराबी आने के बाद उसे रोकने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार टायर में अचानक तकनीकी खराबी आने के कारण आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन को सरहिंद जंक्शन पर रोक दिया गया। यात्रियों को वहां से उतारा गया, लेकिन इससे नाराज यात्रियों ने रेलवे लाइन पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह अमृतसर से बिहार जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें ट्रेन से बाहर रहने को कहा गया। दूसरे डब्बे में जाने को भी कहा गया, लेकिन उन्हें दूसरे डब्बे में चढ़ने नहीं दिया गया। वही रेलवे अधिकारी ने बताया कि कुछ खराबी के कारण ट्रेन को यही रोकना पड़ा है। उस डिब्बे में जो भी यात्री उतरे हैं उन्हें दूसरे डिब्बे में बैठाकर अंबाला ले जाया जाएगा। मिथुन कुमार गोस्वामी। क्या नाम है? मिथुन कुमार गोस्वामी। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ, अभी जा रहा हूँ, आए हिमाचल से ना। तो मैं जा रहा हूँ अभी कटिहार। क्या दिक्कत आई यहाँ पे? दिक्कत हुआ ना सर, ये हुआ ना कि गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया। अच्छा। गाड़ी में जो प्रॉब्लम हुआ ना, और ये गाड़ी में धुआं मार दिया, वो डब्बा खाली कर दिया। जो डब्बा खाली किया, बंदे को इधर से खाली करवा दिया, वो बंदा फिर निकला पीछे। जो पीछे निकला, पीछे में पूरा बोगी बंद है, उधर से बैठने के लिए कोई नहीं दिया। और स्लीपर में जब घुसे वो 2000 रुपये मांग रहा है। अब स्लीपर वाले ऐसी में जाते हैं तो वो लोग नहीं गेट खोलता है, नहीं घुसने देता, और बोलता है, कोई बोलता है 3500 रुपये फाइन है,
कोई बोलता है कि 2000 भाई इसमें मत घुसो। अब सर उधर से हमको इधर दौड़ाता है, इधर से उधर दौड़ाता है, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हम लोग की ये मांग है किसी तरह हम लोग को उतना कि देगा 2000 का फाइन तो नहीं दे सकता हूँ सर। मजदूर आदमी फाइन कहाँ दे सकता, किसी तरह उसमें एडजस्ट कर दे बस सर। ठीक है, जाने के लिए कहाँ से कहाँ जा रही थी ट्रेन? ये अमृतसर से कटिहार जा रही है। ये सरहंद में क्या हुआ ट्रेन? ये फोर्ट एक्सल हो गया था जनरल डिब्बे में, धुआं वगैरह निकल रहा था, तो उस टाइम से पता लग गया था अपने तो जब चेक में रख लिया ना, टेक्निकल टीम आई थी यहाँ पे, तो कोच जहाँ से कट गया है यहाँ पे। ठीक है, और नया डब्बा लग गया? डब्बा कह रहे हैं अम्बाड़ा से लगाएंगे, जो पसेंजर है जहाँ पे स्लीपर में एडजस्ट कर दिए हैं। कुछ बंदे बोल रहे थे दिक्कत बड़ी आई, उनके पैसे वगैरह भी कुछ मांग रहे थे, कुछ दिक्कत आ रही है पसेंजर बोल रहे थे? दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर दिए पसेंजर अपना, अम्बाड़ा में कोच लग रहा है तो एडजस्ट हो जाएंगे बच्चे। अभी कितने समय तक ये गाड़ी चलेगी? अभी लग रहा पावर लगी है अभी इसको जाने में, किसी का कोई नुकसान वगैरह नहीं? कुछ नुकसान नहीं है। क्या नाम है आपका? हेमंत शर्मा, सीआईटी में जंदर में। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यही तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ, तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।